जय हो जय हो जय हो मेरे प्यारे प्यारे बब्बर शेर और शेरियों कैसे आप सब लोग सब बढ़िया तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ह्यूमन आई इसके बारह समथिंग क्वेश्चन हैं उनको मैंने दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया जब भी दस से ज्यादा क्वेश्चन होते हैं मैं दो पार्ट में ब्रेक करके आराम से करवाता हूं तो इन सारे क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं मजा आएगा अच्छा लगेगा फील गुड होगा पहला क्वेश्चन द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑन ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेज बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई This is due to power of accommodation of the human eye this is due to what power of accommodation of the human eye. Clear next Sawal the human eye performs forms the image of an object at its retina. इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट कहां बनती है हमेशा रेटिना पे व्हाट इज रेटिना रेटिना इज द स्क्रीन ऑफ द ह्यूमन आई ठीक है जहां पे आपका रियल एंड इनवर्टेड इमेज बनती है फिर वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन में पहुंचाई जाती है जहां पे वो उसको प्रोसेस करके सीधा कर देती है ठीक पढ़ चुके हम ये द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए यंग एडल्ट विद नॉर्मल विजन इज अबाउट ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर ऑप्शन सी पच्चीस सेंटीमीटर होता है ना नॉर्मल तो मतलब 25 सेंटीमीटर नियर पॉइंट है 25 से लेके इन्फिनिटी तक यही तो हम लोग मानते हैं यही तो रेंज मानते हैं ना कि 25 सेंटीमीटर कम से कम 25 सेंटीमीटर नियर बाई का और इन्फिनिटी ये नॉर्मल है फिर डिफेक्ट होते हैं मायोपिया प्रेसबायोपिया हाइपरमेट्रोपिया तो उसको हम लोग देखते हैं नाउ द चेंज इन फोकल इज कॉज बाय सीलियरी मसल्स कौन अफेक्ट करता है उसके एक्शंस को सीलियरी मसल्स करती है हु आर रिस्पांसिबल सीलियरी मसल्स ओके नेक्स्ट अ पर्सन नीड्स अ लेंस ऑफ पावर माइनस फाइव पॉइंट फाइव डायप्टर्स फॉर करेक्टिंग हिज डिस्टेंट विजन फॉर करेक्टिंग हिज नियर विजन ही नीड्स अ लेंस ऑफ इतना डायप्टर फोकल लेंथ क्या होगा डिस्टेंट वाला और नियर वाला बहुत आसान है आओ देखो मैं करा देता हूं देखिए तो अगर मैं डिस्टेंट विजन की बात करूं तो बच्चे डिस्टेंट विजन में पावर ऑफ द लेंस कितना है माइनस का 5.5 पॉइंट पावर का फॉर्मूला क्या होता है वन बाय फोकल लेंथ इन मीटर्स। सही बात है तो पावर कितना आ गया वन बाय माइनस का 5.5। सही बात है हा और इसको अगर मैं सेंटीमीटर में रखना सॉरी पावर ना फोकल लेंथ कितना हो गया फोकल लेंथ वन बाय पावर तो इसको अगर मैं सेंटीमीटर में रखना है ये किस में आ रहा है मीटर में सेंटीमीटर में तब्दील करने के लिए क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे 100 अपॉन 5.5 तो चेक कर लेना ये आ जाएगा माइनस का 18.18 सेंटीमीटर .18 या हम कहें माइनस का 18.2 सेंटीमीटर एप्रोक्सीमेटली तो इतना फोकल लेंथ आ गया कर लो कार्डपीट के आ जाएगा ये ठीक है हजार अपॉन पचपन फिर काट दोगे एटीन पॉइंट समथिंग आ जाएगा ये हो गया डिस्टेंट के लिए अब नियर विजन के लिए देख लो नियर विजन के लिए क्या होगा पावर कितना है नियर विजन के लिए प्लस वन पॉइंट फाइव डायोप्टर्स तो इसके लिए पी बराबर वन बाय एफ अगेन इन मीटर्स तो एफ की वैल्यू क्या आ गई वन बाय वन पॉइंट फाइव प्लस का यानी कि टू बाय थ्री मीटर्स इतना आ गया टू बाय थ्री मीटर को अगर आप सेंटीमीटर में तब्दील करोगे तो सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन सेंटीमीटर आ जाएगा प्लस का तो ये फोकल लेंथ के लेंसेस है इज इट क्लियर हा या ना ये बात समझ में आई क्लियर है बढ़िया आगे चलते हैं देखो नेक्स्ट द फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक Person is 80 The 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 To क्या है इसमें कुछ भी नहीं करना आपको सीधे सीधे पर्सन के हिसाब से इसको सॉल्व कर देना कैसे देखो मैं यहीं पे कर देता हूं ना जस्ट a लुक मतलब उसका जो इमेज फॉर्मेशन होगा उसका क्या है far point यानी कि जो यानी कि जहां पे इमेज बन रही है एटी है सही और आपका होना क्या चाहिए था इंफिनिटी यही तो करेक्ट कर रहे हैं हम लोग तो एफ आपको निकालना है तो वही फॉर्मूला लगा दो वन बाय वी वन बाय यू वन बाय एफ एफ की वैल्यू क्या आ गई माइनस वन बाय ए इसको कन्वर्ट कर लो हंड्रेड बाय एटी मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो मतलब क्या हो गया ये सॉरी गलती हो गई वन बाय वन बाय एटी तो एफ बराबर कितना हो गया माइनस एटी सेंटीमीटर या हम कहें पावर बराबर प्लस सॉरी माइनस वन पॉइंट टू फाइव डायप खत्म ओके ऐसा क्वेश्चन हमने थ्योरी में भी किया है, सेम डिटो यही क्वेश्चन आई होप इट इज क्लियर मिलते हैं अगले सेशन में टेक केयर जय हिंद पार्ट टू खत्म करेंगे फिर रिवीजन चालू करेंगे लव यू ऑल बाय।